अयोध्या पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी के गोरखपुर के जिलाध्यक्ष व पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय शंकर यादव ने सर्किट हाउस में अपने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। वहीं विजय शंकर यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अयोध्या मामले में सुप्रीम का जो भी फैसला आया है, हम सभी ने उसका स्वागत किया। इसके साथ ही जो भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं, उसको सभी ने स्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल के संपूर्ण विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन हुआ। इसी के तहत पशुपालन समिति बनी थी, जिसकी समीक्षा के लिए आज मैं अयोध्या आया हूं। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को इसी समिति का स्टेटस पेपर जाना है, जिसको लेकर समीक्षा हो रही है। उन्होंने बताया कि पशुओं की नस्ल अच्छी हो और उसे कैसे बेहतर बनाया जा सके, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। अयोध्या से हमारे संवाददाता तुफैल अहमद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन किया है। पूर्वांचल के संपूर्ण विकास के लिए पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन हुआ। पूर्वांचल विकास बोर्ड में विगत दिनों आजमगढ़ में पूर्वांचल विकास बोर्ड का बैठक हुआ था, जिसमें समिति भी बनी है। उसी समिति में एक समिति पशुपालन भी है। पशुपालन की समिति का बैठक लेने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए मैं आज अयोध्या आया हूं, क्योंकि 25 तारीख को पशुपालन विभाग के द्वारा एक स्टेटस पेपर तैयार किया गया है, जिसके बारे में संबंधित प्रतिनिधियों से, संबंधित अधिकारियों से बातचीत किया गया और उसको पशुपालन विभाग को बढ़िया से कैसे किया जा सके, इसके लिए वो लोग अधिकारी, हम सभी लोग मिलकर पेपर तैयार किए हैं, जिसको 25 तारीख को पूर्वांचल विकास बोर्ड में रखा जाएगा और उसको वहां से पास किया जाएगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आया, हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला जो भी आएगा, हम सभी लोग उसको स्वीकार करेंगे और हम सभी लोगों ने स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, जो बहुत पहले फैसला आ जाना चाहिए लेकिन देर से ही आया, उसका हम स्वागत करते हैं और हम सभी लोग, लेकिन हम लोगों का फैसला आया लेकिन हम लोग कहीं कोई स्वागत किए हृदय से, और हम ही लोग क्यों नहीं स्वागत किए, पूरा देश स्वागत किया और सबके हित में यह फैसला है जो सबको स्वागत ही करना चाहिए। ये हिंदू युवा वाहिनी का संगठन का मैं जिला अध्यक्ष हूँ गोरखपुर का, और हिंदू युवा वाहिनी के संगठन के मुख्य संरक्षक गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, जो इस प्रदेश के मुखिया भी हैं माननीय मुख्यमंत्री के रूप में। वह 22-25 करोड़ लोगों का सेवा देने में सक्षम हो रहे हैं। पूज्य महाराज जी का जो भी निर्देश होता है, हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता सिपाही की तरह अनुशासन में रहकर पालन करता है। और इसमें कहना क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको हम सभी लोगों ने स्वीकारा है, हृदय से मैं बधाई भी दिया हूं, और हम लोग इसको चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट जी कोर्ट का फैसला आया है वो उसको समय से पूरा करेंगे लोग। आज जो पशुपालन विभाग के द्वारा कुछ पेपर तैयार किए गए थे, उसके साथ एक बैठक इस नाते करना था कि 25 तारीख को गोरखपुर में पूर्वांचल विकास बोर्ड का बैठक होना है, उसमें यह रखा जाएगा। हम लोगों ने पशु नस्ल सुधार के ऊपर, उत्तम नस्ल के पशुओं का चिन्हीकरण डॉक्टरों को हम लोग निर्देशित किए हैं कि उनको जो पशुपालन, जो अच्छे किस्म के पशु हैं उसको चिन्हीकरण करके हम लोग पशुओं का नस्ल सुधारें, पशु बाजार का निर्माण भी होगा और उस बकरी भेड़ पालन को बढ़ावा देने के लिए, यानी हर प्रकार का जो भी संभव हो सकता है, अच्छा से अच्छा व्यवस्था योगी सरकार हर प्रकार की सुविधा सबको दे रही है, उसको कैसे और बढ़िया किया जा सकता है, उसको राय लेने के लिए यहाँ तक हम लोग आए थे और पूर्वांचल विकास बोर्ड में उसको रखेंगे। जो पहले से आप नहीं, पहले देखिए, पहले असहाय, बेसहारा